वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है स्ट्रेंज मैक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं अद्भुत, आश्चर्यजनक और रोमांचित कर देने वाली कहानियाँ और किस्से। बहुत सारे ऐसे अनसुलझे रहस्य जो आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलते हैं स्ट्रेंज मैक्स पर। तो दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए स्ट्रेंज मैक्स यूट्यूब चैनल और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा ही रोचक वीडियो जिसमें हम आपको बताएंगे शिरडी साईं बाबा के जीवन से जुड़े बहुत सारे रोचक तथ्य। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। शिरडी साईं बाबा, जिन्हें शिरडी के साईं बाबा भी कहते हैं, एक भारतीय आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनको उनके भक्त फकीर तथा सदगुरु कहकर बुलाते थे। उनके भक्त हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के हैं, जबकि वो स्वयं हिंदू थे और मुस्लिम, ये अभी भी रहस्य है। उन्होंने सच्चे सदगुरु या मुर्शीद की राह दिखाई और आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाया। साईं बाबा के चमत्कारों की वजह से दूर दूर से लोग मिलने आते थे और धीरे धीरे वो एक प्रसिद्ध संत रूप में जाने जाने लगे। साईं बाबा को आज पूरे विश्व में पूजा जाता है और प्रतिदिन अनेकों लोग शिरडी के साईं बाबा मंदिर में उनके दर्शन करने जाते हैं। साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1835 में महाराष्ट्र के पथरी गांव में हुआ था। साईं बाबा के माता पिता और बचपन के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। उनके बारे में पहली जानकारी साईं सच्चरित्र किताब में शिरडी गाँव से प्राप्त होती है। शिरडी साईं बाबा 16 वर्ष की उम्र में अहमदनगर जिले के शिरडी गांव में पहुंचे। यहां पर उन्होंने एक नीम के पेड़ के नीचे आसन में बैठकर तपस्वी जीवन बिताना शुरू कर दिया। जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो वो चौंक गए, क्योंकि इतने युवा व्यक्ति को इतनी कठोर तपस्या करते हुए पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वो ध्यान में इतने लीन थे कि उनको सर्दी, गर्मी और बरसात का कोई एहसास नहीं हो रहा था। दिन में उनके पास कोई नहीं होता और रात को वो किसी से डरते नहीं थे। उनकी इस कठोर तपस्या से गांव वालों का ध्यान उनकी तरफ आ गया और कई धार्मिक लोग नियमित उनको देखने आने लगे। कुछ लोग उनको पागल कहकर उन पर पत्थर फेंकते थे। साईं बाबा एक दिन अचानक गांव से चले गए और किसी को पता नहीं चला। वो 3 वर्ष तक शिरडी में रहे और उसके बाद शिरडी से गायब हो गए। उसके बाद 1 साल बाद वो फिर शिरडी लौटे और हमेशा के लिए वहीं बस गए। 1858 में साईं बाबा फिर शिरडी लौटे। दोस्तों, इस बार उन्होंने वेशभूषा का अलग तरीका अपनाया, जिसमें उन्होंने घुटने तक एक कफनी बागा और एक कपड़े की टोपी पहन रखी थी। उनके एक भक्त रामगीर बुआ ने बताया कि जब वो शिरडी आए तब उन्होंने खिलाड़ी की तरह कपड़े और कमर तक लंबे बाल कर रखे थे और उन्होंने उसे नहीं कटवाया। उनके कपड़ों को देखकर वो सूफी संत लग रहे थे, जिसे देखकर गांव वालों ने उन्हें मुस्लिम फकीर समझा और इसी कारण एक हिंदू गांव होने के कारण उनका उचित सत्कार नहीं किया गया। लगभग 5 वर्षों तक वो नीम के पेड़ के नीचे रहे और अक्सर लंबे समय तक शिरडी के पास के जंगलों में घूमते रहते थे। वो किसी से ज्यादा बोलते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक तपस्या की थी। अंततः उन्होंने एक जर्जर मस्जिद को अपना घर बनाया और एकाकी जीवन बिताने लगे। वहाँ पर बैठने से आने वाले लोग उनको भिक्षा दे देते थे, जिनसे उनका जीवन चल जाता था। उस मस्जिद में उन्होंने एक धुनी जलाई, जिसकी निकली राख उनसे मिलने वालों को दे देते थे। ऐसा माना जाता है कि उस राख में चिकित्सीय शक्ति थी। वो अब गांव वालों के लिए एक हकीम बन गए थे, जो राख से उनकी बीमारी दूर करता था। शिरडी साईं बाबा उनसे मिलने वालों को आध्यात्मिक शिक्षा भी देते थे और उन्हें पवित्र हिंदू ग्रंथों के साथ कुरान पढ़ने को भी कहते थे। वो ईश्वर के अटूट स्मरण के लिए, अपरिहार्यता के लिए प्रेरित करते थे और अक्सर गुप्त तरीकों, दृष्टांतों, प्रतीक और रूपक से खुद को व्यक्त करते थे। 1910 ईस्वी के बाद साईं बाबा की प्रसिद्धि मुंबई तक फैल गई। अनेक लोग उनसे मिलने आने लगे, क्योंकि उनके चमत्कारी तरीकों के कारण उन्हें संत माना जाने लगा। शिरडी साईं बाबा ने सबका मालिक एक का नारा दिया था, जिससे हिंदू मुस्लिम सद्भाव बना रहे। उन्होंने अपने जीवन में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का अनुसरण किया। वो अक्सर कहा करते थे, मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा। वो हमेशा अपनी जबान पर अल्लाह मालिक बोलते रहते थे। शिरडी साईं बाबा ने अपने पीछे ना कोई आध्यात्मिक वारिस और ना कोई अनुयायी छोड़ा। इसके अलावा उन्होंने कई लोगों के अनुरोध के बावजूद किसी को दीक्षा दी। उनके कुछ अनुयायी अपने आध्यात्मिक पहचान की वजह से प्रसिद्ध भी हुए। साईं बाबा की मृत्यु 15 अक्टूबर 1918 को शिरडी के गांव में ही हुई। मृत्यु के समय उनकी उम्र 83 वर्ष थी। साईं बाबा की मृत्यु के बाद उनके भक्त उपासनी महाराज को प्रतिदिन आरती सौंपते थे, जब भी वो शिरडी आते थे। साईं बाबा आंदोलन 19वीं सदी में शुरू हुआ था, जब वो
शिरडी में रहते थे। एक स्थानीय खंडोबा पुजारी महाल सप्ती उनका पहला भक्त था। 19वीं सदी तक साईं बाबा के अनुयायी केवल शिरडी और आसपास के गांव तक ही सीमित थे। साईं बाबा का पहला मंदिर भीवपुरी में स्थित है। साईं बाबा के मंदिर में प्रतिदिन 20,000 श्रद्धालु आते हैं और त्योहारों के दिनों में ये संख्या 1,00,000 तक पहुँच जाती है। साईं बाबा को विशेषतः महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में पूजा जाता है। पहली बार 2012 में एक अज्ञात श्रद्धालु ने पहली बार 11 करोड़ शिरडी मंदिर में चढ़ाए, जिसको बाद में साईं बाबा ट्रस्ट के लोगों ने सबको बताया। साईं बाबा के भक्त पूरे विश्व में फैले हुए हैं। साईं बाबा को उनकी मस्जिद और दूसरे मंदिरों में दिया जलाने का बहुत शौक था, लेकिन तेल के लिए उनको वहाँ के बनियों पर आश्रित रहना पड़ता था। वो प्रत्येक शाम को दिया जलाते और बनियों से दान ले जाते। बनिए साईं बाबा को मुफ्त का तेल देकर थक गए थे। एक दिन उन्होंने साईं बाबा से माफी मांगते हुए तेल देने से मना कर दिया और कहा कि उनके पास तेल नहीं बचा। बिना किसी विरोध के साईं बाबा वापस अपनी मस्जिद में लौट गए। अब उन मिट्टी के दियों में उन्होंने पानी भरा और बाती जला दी। वो दिया मध्य रात्रि तक जलता रहा। जब इसकी सूचना बनियों तक पहुंची, तो साईं बाबा के पास क्षमा याचना के लिए आए। साईं बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया और कहा कि दोबारा झूठ मत बोलना। इस तरह साईं बाबा ने अपना चमत्कार दिखाते हुए पानी से दिया जला दिया। एक बार राय बहादुर नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ साईं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आया। जैसे ही वो पति पत्नी बाबा के दर्शन कर वापस जाने लगे, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जोरों से बिजलियां कड़कने लगी और तूफान आने लगा। साईं बाबा ने प्रार्थना की कि हे अल्लाह, बारिश को रोक दो, मेरे बच्चे घर जा रहे हैं, उन्हें शांति से घर जाने दो। और उसके बाद बारिश बंद हो गई। वो पति पत्नी सकुशल घर पहुंचे। एक बार बाबू नामक व्यक्ति की 3 साल की बच्ची कुएं में गिर गई और डूबने लगी। जब गांव वाले कुएं के पास दौड़े, उन्होंने देखा बच्ची हवा में लटक रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा और उस हाथ ने उसे ऊपर तक खींच लिया। साईं बाबा को वो बच्ची बहुत प्यारी थी, जो अक्सर कहा करती थी, मैं बाबा की बहन हूँ। इस घटना के बाद गांव वालों ने कहा, ये सब बाबा की लीला है और इसके अलावा इस चमत्कार को और कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो साईं बाबा के जीवन से जुड़ा हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या आप कोई राय या सुझाव देना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखते रहिए स्ट्रेंज मैक्स यूट्यूब चैनल।